हेलो गाइस, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अनमोल वीडियो। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लासिक्स चैप्टर 6 से, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप चैप्टर से टॉप क्वेश्चंस। दोस्तों, आज का टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन हैं और उनसे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और आप से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में दी जाने वाली जानकारी से अपना भरपूर लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज का पहला सवाल है, पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है? तो जवाब होगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है, जलमंडल और स्थलमंडल। अगला सवाल, अपरदन क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा, पृथ्वी की चट्टानों की ऊपरी परत का टूटना और घिसना ही अपरदन कहलाता है। ये देखिए, अपरदन के फलस्वरूप बनी स्थलाकृतियाँ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन क्या है? जवाब होगा दोस्तों, अपरदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थों जैसे कि चट्टानों के टुकड़े, कण, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, मैं हर सवाल के आंसर के बाद कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिससे कि ये सारे सवालों का जवाब आपको क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निक्षेपण क्या है? तो साथियों, इसका जवाब होगा, अपरदन की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को उपयुक्त जगह पर जमा करना निक्षेपण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त जगह पर जमा करना निक्षेपण कहलाता है। दोस्तों, इसका तस्वीर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन हैं? तो इसका जवाब होगा, पृथ्वी के स्थल रूपों को तीन प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। मेरे प्रिय साथियों, आपको मैं हर क्वेश्चन के आगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं तस्वीर दिखाता जा रहा हूं, जिससे कि आपका सवाल का जो जवाब है वो भली भांति क्लियर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पर्वत क्या है? जी हाँ दोस्तों, पर्वत क्या है? तो उसका जवाब होगा दोस्तों, पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होता है तथा उसका आधार चौड़ा और शिखर नुकीला होता है एवं उसकी ढाल तीव्र होती है, पर्वत कहलाता है। ऊपरी जो सतह है, ऊपरी का जो भाग है वो क्या होता है, नुकीला होता है, और जो आधार है नीचे का जो भाग है वो चौड़ा होता है, ठीक है, और उसकी जो ढाल है वो तीव्र होती है, वही पर्वत कहलाता है। दोस्तों, देखते हैं इसका फिगर। अगला प्रश्न है, दर्रा किसे कहते हैं? जवाब होगा दोस्तों, वह मार्ग जिससे किसी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है, दर्रा कहलाता है। इसका भी फिगर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिमनद किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, ऐसे पर्वत जिन पर सदैव बर्फ जमी रहती है हिमनद कहलाता है। उदाहरण के लिए गंगोत्री एवं सियाचिन, ये दोनों हिमनद के उदाहरण हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं गंगोत्री और सियाचिन के तस्वीरें। अगला प्रश्न, क्या महासागरों के अंदर भी पर्वतमालाएं होती हैं? इसका उत्तर होगा हाँ। जी हाँ दोस्तों, महासागरों के अंदर भी पर्वतमालाएं होती हैं। अगला प्रश्न,
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है और कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मध्य अटलांटिक पर्वतमाला है, जो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में स्थित है। आइए देखते हैं उसकी तस्वीर। दोस्तों मैं बता दूं, आज का इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ये सभी एनसीईआरटी बुक्स क्लास सिक्स से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके विद्यालय के परीक्षा में आने के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन सवालों के जवाबों को आप अच्छी तरह पढ़ लें और याद कर लें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो जवाब होगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये रहा एंडीज पर्वत की तस्वीर। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, मनाकी पर्वत कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। दोस्तों मनाकी पर्वत जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 10,205 मीटर। आप इसे याद रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा मनाकी पर्वत की तस्वीरें। अगला सवाल, झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों के नाम लिखें। तो जवाब होगा दोस्तों, झारखंड में दशम, रजरप्पा, जोनहा, पंचघाग आदि प्रमुख जलप्रपात हैं। और आइए देख लेते हैं इनकी कुछ तस्वीरें। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त साथियों, और इसका जवाब होगा दोस्तों जोग जलप्रपात। और यह जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, जोग जलप्रपात। ये रहा जोग जलप्रपात का तस्वीर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पठार किसे कहते हैं? जवाब होगा दोस्तों, धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचाई पर होने के साथ साथ जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है पठार कहलाता है। साथियों ऊपरी भाग जो है चौड़ा और सपाट होता है, ये रहा पठार की तस्वीरें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सामान्यतः पठार की ऊंचाई कितनी होती है? ये देखिए पठार और इसकी ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका जवाब होगा 300 से 500 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो इसका आंसर है तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई 1600 फीट है। तो आइए देख लेते हैं तिब्बत का पठार। ये रहा तिब्बत का पठार। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैदान किसे कहते हैं? इसका जवाब होगा दोस्तों, मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। मैदान जो है समुद्र तल से 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहते हैं। ठीक है हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये देखिए मैदान की तस्वीरें कितनी सपाट हैं, कितनी समतल हैं, है ना? तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके साथ साथ आपके प्रिय दोस्तों को भी मिले। ठीक है, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द ही जुड़ जाएं। हमारा चैनल है अनमोल वीडियो एंड एजुकेशनल चैनल। जी हाँ दोस्तों, अनमोल वीडियो एंड एजुकेशनल चैनल। और साथियों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7050627934। तो साथियों
आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। और यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल उठता है जिसका जवाब आप नहीं जानते हैं, तो कृपया आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में शेयर करें, जिससे कि मैं आपके सवालों का जवाब आपको दे सकूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।